हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो स्टेट बोर्ड है उसके एग्जाम्स से पहले कुछ चेंजेज किए गए हैं, मेजर चेंजेज हैं। और उत्तर प्रदेश की जो बोर्ड एग्जामिनेशन है अब उसमें ओएमआर सीट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और एग्जाम होने के कुछ दिन पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को आंसर देना होगा 70 मार्क्स में 50 मार्क्स जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे और 20 क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो इस तरीके के जो चेंजेज हैं इससे थोड़ा सा चेंज आएगा उस जगह के मार्किंग में या बच्चों के पढ़ाई के तरीके में, जिस तरीके से उन्हें एजुकेशन इम्पार्ट किया जा रहा है। लेकिन कुछ जगहों पर इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि ये नेक्स्ट ईयर से इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए था। इस विषय में आपकी क्या राय है आप जरूर प्रस्तुत कीजिए। इंडिया में वैसे भी जो वनडे एग्जाम्स हो रहे हैं मैक्सिमम ओएमआर के जरिए हो रहे हैं, तो क्या इसमें सही ढंग से बुद्धिमत्ता की जांच हो पाती है? जरा सोच के बताइए। धन्यवाद।